जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तरफ दो रात शाम बहमी जुमत इम्तिहानी नतीजन ऐलान करने आव यथ लश सतु सा शत शेत्र उम्मीदवारों मज दोशी सा चौर अकतज उम्मीदवार कामयाब सपद तथा साइंस स्ट्रीम मज शाहिद बशीर डार बेदीपुरा बड़गाम रोजन वाल तलब इलम चौर हथ शनमत नंबर हासिल कर पोजिशन हासिल करम यह खबर फैलते आ इंदिस घर मज खुशी हूं माहौल वुन ये गरको तरफ यार दोस्त रिश्तेदार तो हमसायों तरफ तिम मुबारकबाद पेश कर आए तुम अत मौक पे खुदा सुन शुक्रिया अदा कर सन वालदेन तो वस्ताद शुक्रिया अदा कर्मुत तमो बलब इलमन तपील कर तम तेहनत करें तम तन तो पन वालदेन नाव रोशन कर जी पहले अल्लाह ताला का बहुत सारा शुक्र कि उन्होंने इतना मतलब एक ऑप्टिमम रिजल्ट से नवाजा जी। ऑब्वियसली मैं जब रिजल्ट आया तो जब मैंने रिजल्ट चेक किया तो एक इंसानी फितरत है कि जब भी इंसान एक अच्छी खबर सुनता है तो वो खुशी होता है। तो जब मैंने अपना रिजल्ट देखा मैंने इतना ऑप्टिमम रिजल्ट आएगा वो एक्सपेक्ट नहीं किया था टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जब मैंने रिजल्ट देखा और पहले मैंने अल्लाह ताला का शुक्र किया कि इतना रिजल्ट ऑप्टिमम रिजल्ट आया है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने पेरेंट्स को कन्वे किया कि रिजल्ट ऐसा है एंड आफ्टर दियर रिएक्शन जो था वो नहीं है उनकी वो खुशी देखकर तो है जो उनकी वो खुशी देखकर जो है इंसान को वो प्राउड फील हो जाता है कि नहीं जी अब जो रिजल्ट आया है दैट्स रियली वर्थ इट। जी पहली बात तो यही है कि मार्क्स अगर कम आ रहे हैं उनकी उसकी वजह क्या है, या तो आप खुद एफर्ट कम दे रहे हो फिर तो प्रॉब्लम है, अगर आप खुद एफर्ट कम दे रहे हो फिर मार्क्स कम आ रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, या अगर आप अपना ऑप्टिमम दे रहे हो अपना बेस्ट दे रहे हो फिर मार्क्स कम आ रहे हैं आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। बट क्योंकि हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी एक कैपेबिलिटी से नवाजा होता है एंड इफ यू आर गिविंग योर बेस्ट दैट्स व्हाट यू कैन डू जो हमारे हाथ में है, उसके बाद अल्लाह ताला के हाथ में होता है मेजरली। वैसे भी सब कुछ उन्हीं के हाथ में है बट लाइक आफ्टर यू गिव योर बेस्ट उसके बाद अब वो आपके कंट्रोल में है वो चीज। ये अभी तो हमें लगता है ना कि ये एक दिन का प्रोसेस है बट ये एक 12 साल की मेहनत होती है इसके पीछे एंड बचपन से ही मैं फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नौगांव में एडमिटेड था, स्कूलिंग मेरी बचपन से ही वही हुई है एंड 11th 12th के लिए आई वॉज ऑल्सो एडमिटेड इन आकाश इंस्टीट्यूट रावलपुरा, तो वहां से मैंने 11th 12th भी पढ़ा है बट इन 11th 12th as well I was admitted in Fayaz Education Institute Srinagar और apart from these institutions इसमें पूरी family का role रहता है, पूरे जो भी even अपने friends जो है जिनके साथ एक बहुत keen relationship होती है उनका role होता है, हर एक का role होता है directly और indirectly either academically financially socially जैसे भी emotionally आप support कर रहे हो इधर उतना ये कुछ नहीं वो important role अदा कर सकते हैं एक बच्चे का career build up करने में। माँ बहुत ख्याल अगर बच्चों का रखिए कि एवरीबॉडी कैन मेक हिज फ्यूचर, तो उनमें शाहिद साहब ने भी बड़ी मेहनत की और सबसे ज्यादा माँ ने मेहनत की और हमारे बुजुर्ग वालिदैन हैं उन्होंने दुआएं दे दी, उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि हमारे बच्चों को पहली पोजीशन स्टेट में हासिल हो गई। जनूबी कशीर जिले शुपियन से ताल्लुक थवन वाजि फल्टन शिकार बीनई निश माहरूम इनशा मुश्ताकन ते असल नंबरों सहमी जुमत सुन इम्तिहान पास कर्मुत तो तमो अत मौक पे पन्ने वालदेन तो वस्ताद शुक्रिया अदा कर्मुत तमो बन तलब इलमन पे जोर दुत तम गिम्मत हारन युत तम तथ कुन इम्तिहान मज कामयाब सपदन यह कत लाग जी वरी जुरह मज एज जुलूस दौरान सपज इनशा मुश्ताक पल्टन शिकार यम कि स पद बिनई निश ते महरूम सपदे। बहुत खुश हूँ मैंने 12th आज क्वालिफाई किया लेकिन मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ गए प्रॉब्लम्स आ गई उनको मैंने कैसे फेस किए ये मुझे ही पता है लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैंने अच्छे मार्क से आज 12th क्वालिफाई किया। मैं बहुत खुश हूँ आज और मेरा मुझे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा कि आप पढ़ो, मैंने हिम्मत नहीं हारी, पेरेंट्स का मैं बहुत ज़्यादा शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और जेके सीपीजे डायरेक्टर नाजिर अली ने मुझे रिहेबिलिटेट किया 2018 से लेकर आज तक उन्होंने मुझे रिहेबिलिटेट किया और वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने मुझे पढ़ाया गवहर बया और शारिका दीदी उन्होंने मुझे पढ़ाया 12th का कि मेरी तरफ से यही मैसेज है कि यहाँ पे एक स्कूल होना चाहे जो वीआई पर्सन से वो आगे बढ़े वो इंडिपेंडेंट बने किसी पे डिपेंड नहीं रहे। मुझे आगे आज मैंने 12th क्वालिफाई किया इंशाल्लाह आगे मैं बैचलर्स करूँगी प्लस आईएससी कोचिंग।
मुझे बहुत ज़्यादा सामना करा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप का सपोर्ट था और मुझे उतर नहीं लगा, और नादिर अली का सपोर्ट भी था, उन्होंने मुझे रिहेबिलिटे, मेरे माँ पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे एजुकेशन पढ़ने में। मेरी मैसेज उनकी तरफ से यही है कि वो आगे बढ़ने चाहे, हिम्मत नहीं हारने चाहे, लाइफ में चैलेंजेस भी आते हैं, प्रॉब्लम उनको सामना करना पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट बने, किसी पर डिपेंड ना रहे। शायद गई सठा खुशी बह सारे के सठा गुजार कर दपान ये अर ईस मेहनत अम बची अमेद क्या ईज मेहनत ऐस अमिस बची मं ईस हमत पज पे कामयाफी मिले सारे हम शुक्र गुजार अतकन टीचरन हम शुक्र गुजार पज पे कर्न मेहनत पास द्राय अस उमेदी।